राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री राधा बैरण्यवेश्वर कृष्ण बलराम श्री गौरनिता है श्री नरसिंह आदि भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र श्री प्रभुपाद और गुरुवृंद की कृपा से आज सायंकाल को श्रीमद् भागवत से कुछ भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं का श्रवण करने का आपको और हमको शुभ अवसर मिला है। आप सबका आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप का मतलब इन्हें इनकार्नेशन इन द फॉर्म ऑफ वाणी। श्री कृष्ण भागवत है श्री कृष्णेर अंग। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत है श्री कृष्णेर अंग। प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। इसका मतलब भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है द एक्सचेंज ऑफ लव है वही है। एंड श्री प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि भागवत के हर एक पेज पर आपका श्री कृष्ण से मुलाकात होगा। यू कैन मीट कृष्ण। और फिर लिखा है हर पेज में कृष्ण को देखने के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है मन शुद्ध होने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। और फिर लिखा है एनी समहाउ। समहाउ का मतलब है इवन इफ यू डोंट हैव ए प्योर माइंड आर शुद्ध ईटिंग हैबिट्स बट स्टिल इफ यू आर फॉर्चुनेट टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ए प्योर डिवोटी। जब समहाउ होना यद रिच्छया उसकी माना है भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा का मतलब भक्त का संग। सो समहाउ इफ यू गेट एसोसिएशन ऑफ ए डिवोटी भगवान के भक्त का संग हो जाए तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है। वैसे भागवत के सिर्फ पहले स्कंद में भक्त वत्सल के रूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। 2 से लेकर 9 स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। अलग भगवान के अवतारों का वर्णन है लेकिन श्री कृष्ण की कोई लीला 2 से लेकर 9 स्कंद तक नहीं।
पहले स्कंद में है। भक्त वत्सल भगवान पांडवों के साथ जो परीक्षित की रक्षा, उत्तरा की रक्षा, कुंती की इच्छा की पूर्ति, भीष्म की मनोरथ पूरा करना, ये अद्भुत लीलाएं जो है ये सिर्फ पहले स्कंद में। फिर दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुख मंडल है मुस्कुराता हुआ, और आश्रय का ये स्कंद है। भागवत के दस विषयों में आश्रय जो विषय है वो है दसम स्कंद, और 90 अध्याय का ये बहुत बड़ा स्कंद है। और इसको पूर्व अर्ध और उत्तर अर्ध कहते हैं, पहला आधा और दूसरा आधा। पहले में वृंदावन और मथुरा की लीला है और दूसरे अर्ध में द्वारका की लीला। इस तरीके से दसम स्कंद का विभाजन होता है। तो दसम स्कंद के हमने दो दिन पहले 8वें अध्याय में जहां कृष्ण बलराम के नामकरण का वर्णन है गर्ग आचार्य के द्वारा। अब प्रश्न ये कि गर्ग आचार्य तो है वसुदेव का गुरु, यादवों का गुरु है, वो अगर नाम रखेगा तो कंस को तो डाउट हो जाएगा, संदेह हो जाएगा कि भाई गर्ग ने नंद के बेटों को नाम क्यों रखा। तो इसलिए गर्ग आचार्य नाम रखने के लिए आया था, वसुदेव ने ही भेजा था। बोले 100 दिन हो गए, अभी तक 3 महीने हो गए, बच्चे का नाम ही नहीं रखा है, तो कोई बंदोबस्त तो करना चाहिए। वासुदेव को तो मालूम है बलराम ही मेरा बेटा है और कृष्ण को ही मैं छोड़ के आया हूं, तो उसने गर्ग आचार्य को नाम रखने के लिए भेजा। और नंद महाराज ने कहा नाम रख लो, करने का मैं नाम रखूंगा तो कंस को तो डाउट हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यादवों का आचार्य हूं, आपका तो शांडिल्य ऋषि है, उसको रखना चाहिए। तो नंद बाबा कहते आप तो साक्षात ज्योतिष शास्त्र हैं, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, एक गौशाला के अंदर ही नामकरण संस्कार कर लो, वो पहले से पवित्र होता है। और गौशाला भी वो जो घर के अंदर है खास, जिसके गायों का दूध कृष्ण बलराम के लिए होता है, बस उधर, बस ये दो उनकी माताएं, दो बच्चे और एक मैं बस। तो नामकरण संस्कार भगवान का इस प्रकार से गर्गाचार्य ने किया, ये वर्णन है इस अध्याय में। विशेष रूप से गर्गाचार्य ने यह भी कहा, बलराम जी का नाम तो भगवान ने बलराम जी के जन्म से पहले ही योग माया को बता दिया था कि देवकी के उदर से इस 7वें बालक को आप रोहिणी के उदर में स्थान अंतर करो, क्योंकि आप इसको खींच के ले जाओगे, इसका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि यह सबको आनंद देगा इसलिए इसे राम कहेंगे, और क्योंकि ये बड़ा बलशाली है इसलिए इसको बलभद्र भी कहेंगे। तो कभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नाम भगवान बलराम जी का जन्म से पहले क्यों रख दिया। बोला बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जो पहले पैदा किया हुआ वो भगवान बड़ा, जो बाद में पैदा हुआ छोटा। जैसे लोग आपसे पूछते हैं भाई राम अवतार त्रेता में हुआ तो बड़ा हो गया, कृष्ण द्वापर में हुआ तो बाद में आया। लेकिन भगवान ने कहा ऐसे लोगों के लिए संदेह नहीं है, जो नाम रखता है वो गुरु होता है, तो मैं बलराम जी का नामकरण जन्म से पहले ही कर देता हूं, तो मैं गुरु हूं, वो मेरा है, मेरा ही विस्तार है, लेकिन जो आदि पुरुष भगवान है वो श्री कृष्ण है। और फिर कृष्ण के नाम रखते समय तो कहा कि पहले ये कभी वसुदेव का पुत्र भी रहा है, तो अभी रहा है, कभी के अभी भी रहा है। और नंद बाबा का तो बड़ा आश्चर्य हुआ है, नंद वसुदेव का पुत्र है। बोला नहीं नहीं जो अभी आपका बेटा है ना, ये पहले कभी वसुदेव का पुत्र रहा है। फिर लिखा है कि ये नारायण के समान है और आप इसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करो, ये आप ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। नारायण के सम जो है उसके ऊपर हमारे आचार्यों ने लिखा है कि नारायण भी इसके समान नहीं है, नारायण से भी 4 गुणों में विशेष है। श्री कृष्ण नारायण से भी 4 गुणों में विशेष है। 4 ये चीजें नारायण में नहीं है जो श्री कृष्ण में है। कौन सी ये?
वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये चार चीजें सिर्फ श्री कृष्ण में, और वो भी वृंदावन में है। वेणु मथुरा में नहीं है, द्वारका में नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दी है, नित्य किशोर, नटवर, गोप वेश धर, वेणुकर। ये चैतन्य महाप्रभु का जो श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण भगवान है उसका रूप ये है, नित्य किशोर, कभी भी 15 साल से बड़े नहीं होते, ये उनका हुआ रूप माधुरी। नटवर, वो चलते हैं तो नृत्य करते हुए चलते हैं, भाई शंकर जी को नटराज कहते हैं, नटराज शंकर है, भगवान शंकर नृत्य करते हैं, नटराज है। लेकिन वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर द बेस्ट, तो वो नटराज है, उससे भी बेस्ट हैं। भाई कालिया सांप के फनों के ऊपर कोई डांस कर सकता है क्या? कोई प्लेटफॉर्म था, ऐसा डांस किया जो डांस कोई कर नहीं सकता। लेकिन उससे भी हम कभी इसका दूसरा भाव बताते हैं, एक वर का अर्थ है जिसको वरण करना, तो नटराज भी गोपेश्वर गोपी के रूप धारण करके कृष्ण के रास में प्रवेश करने का प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण का कितना नृत्यमान है कि नटराज शंकर गोपी बन के रास में नृत्य में भाग लेना चाहते हैं। तो मतलब कृष्ण को वर्ण करना चाहते हैं, भाई गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण को वर्ण करती, तो नटवर है, नित्य किशोर नटवर, गोप वेशधर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोप वेशधर, उनका वेश गोप का है। इसका बहुत सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने करा किया है, जब पहला श्लोक ब्रह्मा की स्तुति का है ना, भगवान के रूप का वर्णन है, बाल छोटा बाल गोप वेश में कैसे खड़ा है, इस श्लोक में भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। दो तीन ऐसे श्लोक भगवान के सुंदर रूप के हैं, चेतना महाप्रभु उन श्लोकों का बड़ा रसास्वादन करते थे, क्योंकि ये स्वयं भगवान के स्वरूप है। मैं उस श्लोक दूसरे ही निकाले हैं, लेकिन अब मन में आ रहा है कि उस श्लोक को पढ़ना चाहिए, 14:1, श्री ब्रह्मावाच, नौमीड्यते अभर्वपोषतडितंबराय, नौमी नमस्कार करता हूं, आप पूजने है, नौमी ईड़िये, ईड़िये का मतलब पूजना है, हे पूजन्य भगवान आपको नमस्कार करता हूं। ये भगवान कैसा है, ये भगवान है अभर वपुषः, अभर कहते हैं बादल को, वपु कहते हैं रूप को, भगवान का रूप कैसा है, श्याम रूप, घन श्याम, घन कहते हैं बादल को, अभर का मतलब बादल जैसे रंग का आपका सुंदर रूप है। तड़ित अंबराय, अंबर कहते हैं कपड़ों को, तड़ित कहते हैं बिजली चमकने वाली को, चमकने वाली बिजली के जैसे पीला पीतांबर आपका पहना हुआ है, भगवान के रूप का वर्णन कैसे कर रहे हैं। नवमीड़यते अभर वपोष तड़ित अंबराय, बहुत सुंदर है। और फिर कहते हैं गुंजावतंसह परिपिच्छल सन्न मुखाय, वो कहते आपके गले में गुंजा की माला पहनी हुई है। गुंजा क्या है, लाल रंग की एक छोटे से बीज जैसे होते हैं, और ब्रज में उसको सुखा के उसमें सोरा करके गले में डालते हैं, और ये गुंज माला का तो चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें दी थी रघुनाथ दास ठाकुर को, एक गुंज माला दिया और एक गोवर्धन शिला दिया,
और गुंज माला और गोवर्धन शिला से रघुनाथ दास ठाकुर ने समझा के चेतना महाप्रभु ने गोवर्धन वास दिया, गोवर्धन शिला दिया गोवर्धन वास, गुंज माला दिया राजा रानी का आश्रय। तो गुंज माला भगवान को पहनी हुई है, वो लाल सी माला होती है, उसमें काल थोड़ा सा काले जैसा मुंह होता है उसका। और गुंजाम गुंजाम गुंजा अवतंस, अवतंस का मतलब जो भगवान के सुंदर आभूषण है वो कोई सोने हीरे मोती का नहीं है, जंगल में होने वाले छोटे से गुंज का है, गुंजा एक बीज जैसा होता है उसका है। और फिर क्या लिखा है, परिपिच्छ, परिपिच्छ मोर पंख, मयूर का पंख धारण करते हैं। ये स्वयं भगवान का वर्णन, ये है गोपवेच जिसका ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं। परिपिच्छ, परिपिच्छ प्रभुपाद जी लिखते हैं मयूर का पंख, मयूर और भगवान का बहुत प्रेम का संबंध है आपस में, मयूर नृत्य करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। और कभी कभी मयूरों के राजा रानी के कहने पे कृष्ण मयूर का नृत्य करते, और फिर मयूर भगवान ने नृत्य किया ना तो मयूर उसको जैसे कोई उपहार देता है, इनाम देता है, ऐसे अपना एक पंख निकाल के कृष्ण के हाथ में इनाम देता है, और कृष्ण आदर से उसको अपने सर के ऊपर रख देते। तो परिपिच्छ, और परिपिच्छ के बाद लिखा है लसन मुखाय, लसन मुखाय का अर्थ है उनका जो मुख है, परिपिच्छ लसन मुखाय, भगवान का मुख जो है वो लसन का मतलब है अपने आप में चमक रहा है। अब चमकने की बात पे जो आज श्लोक पढ़ना था वो लिखा था, गोपियां कहती हैं आके यशोदा हम अपने घर में दही दूध मक्खन के मटके अंधेरे कमरे में छुपा के रखती हैं, लेकिन ये जैसे अंदर जाता है इसके जो मालाएं हैं हीरे मोती मणिये हैं और इसका मुख है उसमें से इतनी रोशनी निकलती है इसको पता लग जाता है कि सामान कहां पर है। हम अंधेरे कमरे में रखती हैं उसमें भी ये अपने ही प्रकाश से, क्यों लसत मुख है ना, मुख चमक रहा है। तो यशोदा कहती फिर क्या करें, इसका अगर हीरे मोती से प्रकाश होता है और आपके घर में चोरी होती है रोशनी हो जाती है तो ये निकाल दो। तो गोपी कहे नहीं नहीं ये तो इसको पहने रहने दो इसमें अच्छा लगता है। तो गोपियों को कोई शिकायत नहीं करनी होती है, कृष्ण को देखने का बहाना चाहिए उनको, न मक्खन की चिंता है न घर की चिंता है, उनको कृष्ण को देखने की चिंता है, उसके बहाने से आ जाती है। तो लसन तम लसन न मुखाय, भगवान का मुख कैसा है, बहुत चमकता है। चमकता क्या है, ये जो भगवान के पीछे गोला दिखता है ना पूरा, जो सारी ब्रह्म ज्योति है वही तो भगवान के मुख से निकल रही है। तो जो जिस ब्रह्म ज्योति से सूर्य को तेज मिलता है, जिस बुरी ब्रह्म ज्योति से सारी दुनिया में प्रकाश होता है, वो ब्रह्म ज्योति जिस मुख से निकलती है वो मुख कितना चमकने वाला होगा। तो लसत हाँ मुखाय वन्य सृज कवल वेत्र विषाण वेणु, अब भगवान के हाथ में क्या है, वन्य सृज, वन्य सृज मैंने कहा वन का, वन्य सृज, सृज कहते हैं माला को, वन माला पहनी हुई है। कौन सी माला भगवान पहनते हैं, वैजंती चमालयाम, ये तीन भगवान के रूप का बहुत सुंदर भागवत में वर्णन है। एक तो 14:1, एक है ब्राह्मण पत्नियां जब भोजन लेके भगवान के पास जाती हैं और भगवान को अपने सखा के कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए देखते हैं, वो चेतना महाप्रभु को बहुत पसंद था। और तीसरा गोपियां वर्णन करती है वेणु गीत में जब भगवान वन में प्रवेश करते हैं। ये तीन भगवान के रूप माधुरी है, ये भगवान के रूप के बहुत तीन विशेष श्लोक है श्रीमद् भागवत में। तो यहां आगे पढ़ रहे हैं, वन माला पहनी हुई है,
ये एक प्रकार का मेडिटेशन है, भगवान श्री कृष्ण के रूप का मेडिटेशन है। कहां भगवान के रूप का सुंदर वर्णन, कृष्ण एक ब्रह्मा कर रहा है, सृष्टि का सर्जन करने वाला पितामह ब्रह्मा किसकी प्रार्थना कर रहा है, 5 वर्ष के छोटे बालक की, और कह रहा है वन माला पहनी है, वन असरजे कवल, कवल कहते हैं चावल दही उल्टे हाथ में भगवान के, और उंगलियों में आचार पिकिल, एक कवल है, और कवल के साथ है वेत्र, वेत्र का मतलब लाठी जिससे गैया को चराते हैं, एक हाथ में तो वो भोजन का ऐसे रखा है, अभी खाना है, खाया नहीं है, वो है एक हाथ में भोजन पड़ा है, दूसरे हाथ में वो कहां रखी हुई है लाठी, वेत्र विषाण वेणु, अब वेत्र विषाण और वेणु, वेत्र विषाण वो जो भगवान सिंह बजाते हैं वो सिंह है, और वेणु ये है बांसुरी, ये 4 चीजें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आभूषण है, वो चारों में से ये गोप वेशधर है, ये कब जब बछड़े चला रहा था, ये गोप बालक का ये दर्शन है। फिर है लक्षम श्री मृद्युपदे पशुपांग जाया, लक्षम श्रिय, लक्षम श्रिय, ये जो शब्द है इसका अर्थ है जिसका सुंदरता, इन लक्षणों से जिसकी सुंदरता पशु पा अंग जाया, ये जो लास्ट वर्ड है ना, इसके आधार पे हमारे आचार्य ये सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म यशोदा और नंद के घर में भी हुआ है, न सिर्फ वसुदेव और देवकी के यहां हुआ है, क्योंकि पशुपा, पशुपा, पशुपा का मतलब पशुओं को पालन करने वाला नंदबा, अंग जाया मतलब जिसके अंग से उत्पन्न हुआ श्री कृष्ण, तो इसका मतलब श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी के यहां तो हुआ, वो तो चतुर्भुज रूप में हुआ, वो तो है विष्णु, लेकिन जो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है वो यशोदा और नंद बाबा के यहां प्रकट हुए, और वहां जो हम प्रकट हुए तो इसलिए उसके लिए ये श्लोक का ये शब्द एक पशुपा अंग जाया ये सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म नंद और यशोदा के यहां हुआ है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और ये कोई एक बार प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान ने अवतार एक बार नहीं लिया है। अब में से कितने लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए हैं, और एक साल में 30 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने, एक महीने में 30 दिन, कितने बार भगवान श्री कृष्ण आए, गिनती करो, 12 × 30 × 50, इतने भगवान श्री कृष्ण इतने बार अवतार ले चुके हैं, कोई एक बार नहीं आए हैं, और यहां तक भी लिखा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन के 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण के आने का, तो ये एक तो रूप का ये श्लोक है, दूसरा रूप का श्लोक अभी आज बात रूप की तो नहीं, रूप की बात आ कैसे गई, यहां तो हमने लिखा था 26 श्लोक को पढ़ेंगे, रूप की बात आ गई गोप वेशधर, तो गोप वेश कैसा है, ब्रहा पीड़म नटवर वपुकरणियो करिकरणिकार, भगवान नटवर, यहां भी नटवर है वेश है, और ब्रहा पीड़म सर के ऊपर मोर पंख है, करणियो करणिकार, कर्ण कहते हैं कान को, कान है दो वचन में कि दो कान है, और उसके उपकरणी का पुष्प है एक वचन में संस्कृत में, दो कान है एक पुष्प है, ऐसे क्यों, तो जीव गोस्वामी आदि आचार्य बहुत बड़े चिंतन के बाद कहते हैं कान दो और पुष्प एक क्यों,
ये संकेत पुष्प है। संकेत मीन्स इशारा करना, संकेत मीन्स क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इंडिकेशन, सम इंडिकेटर है किस बात का। सुबह जब भगवान गैया चराने के लिए निकलते हैं तो नंद बाबा और बड़े गोप उनको विदा करने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी गोपियां विदा करने के लिए बाहर आती है, बड़ी उम्र की बात से वो तो भगवान के साथ जाती है। अब जो गोपियां राधा रानी आती हैं, ये तो बेचारी एक तो छत के ऊपर से देखती हैं, और फिर भी देखती हैं तो देखिए कोई हमको देख तो नहीं रहा है कि हम कृष्ण को देख रही हैं, बेचारी ऐसे इधर इधर देखते देखते देखना चाहती। और जब श्री कृष्ण दूर चला जाता है तो बूढ़े गोप थोड़े झुक के ऐसे देखते हैं, तब गोपियां ऐसे पांव के ऊपर खड़ी होकर पंजे के ऊपर कृष्ण को देखना चाहती। उस वक्त कृष्ण मुड़ता है, वापस मुड़ के ये फूल उठा के ऐसे घुमाता है हाथ में, और फिर जिस कान पे रखेगा इसका मतलब आज इस तरफ गैया चराने जाएगा। तो गोपियों को इशारा करने के लिए कि आज गाय कहां चराने जा रहा है, क्योंकि गोपियां भगवान के विरह में घर में बैठ नहीं सकती थी, और कभी कभी गोप का वेश धारण करके पगड़ी पहन के और सीधी वन में चली जाती थी और भगवान का दर्शन करती थी पीछे से। ये गोपियों का गोप वेश धारण करने का बहुत बार उदाहरण आता है। एक बार तो अब वृंदावन में अटल राय चुंगी, आजकल उसको चुंगी कहते, सुना है अटल राय चुंगी, ये असल में इसका नाम है अटल वन। अटल वन में क्या एक दवा लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के संग चले गए गैया चराने के लिए, बलराम जी नहीं थे। अब खेल खेल में दो पार्टी बनती, एक बलराम जी की एक कृष्ण जी की, और फिर आपस में एक दूसरे से कुश्ती करते कौन जीतता कौन हारता। आज बलराम जी आया नहीं, और ये सारी गोपियां गोप वेश धारण करके आ गई वन में, राधा रानी भी पगड़ी बांध के नीला ओ नीली धोती पहन के ऐसे आ गई, और ऐसे राधा रानी जब ये कपड़े पहनती है लगती है जैसे साक्षात बलराम जैसी। उसका रंग कैसा है, गोरा, बलराम जी का रंग गोरा है, और दोनों पहनते क्या है, दोनों को नीलांबर कहते हैं, नीलांबर बलराम नीलांबरी राधा, वो नीला कपड़ा पहनते हैं। क्यों नीला कपड़ा पहनते हैं, कृष्ण का जैसा रंग है ऐसा कपड़ा पहनते हैं, क्या कृष्ण की याद सदा रहे। और भगवान कैसे कपड़े पहनते हैं, पीतांबर पीला, राजा रानी के रंग का कपड़ा पहनते। इसलिए मां जब यशोदा पूछती है ना, अरे तूने मिट्टी मट्टी खाई का नहीं, नहीं खाई, अरे ग्वाल बाल सब तुम्हारी शिकायत, अरे मैया वो मेरे से झगड़ा करके गए, आज मेरे से उनका झगड़ा हो गया। अरे दाऊ जी तुम्हारा बड़ा भाई भी कह रहा है तुमने मट्टी खाई है, अरे मैया तू क्या समझती है, दाऊ जी गोरा है दिल का बहुत काला है, तो भगवान कोई झूठ बोलेंगे दिल का काला है, नहीं सचमुच सचमुच दिल का काला है, क्योंकि उसके दिल में कृष्ण रहता है, जिसके दिल में कृष्ण तो काला ही है, तो दिल का काला ही है वो। अरे मैया वो दिल का काला है, आप नहीं मान जानती, वो मेरे को बहुत चिढ़ाता है, वो कहता है मैया गोरी बापू बाबा गोरे, तू काला कहां से आया, तेरे को तो मोल का खरीद के लाया, हमारा खिलौना है तू, मेरे को बहुत चिढ़ाता है, झूठ बोला अंदर से काला। सो नीलांबर नीलांबरी राधा रानी बलराम जी के वेश में आई, और राधा रानी पार्टी एक की इंचार्ज हो गई, और एक का कृष्ण, और राधा और कृष्ण बलराम के रूप में राधा और कृष्ण के बीच में कुश्ती हो रही। अब सब समझते जी तो बलराम है, सबको तो ये लग रहा था। और जब कृष्ण उनको हाथ से हाथ मिलाया और फिर पकड़ के ऐसे गिराने लगे, तो कृष्ण राधा रानी का स्पर्श होते ही मूर्छित हो गए, कृष्ण हार गए और बलराम जी जीत गए। तो पहचान तो गए कृष्ण के, ये बलराम जी तो नहीं है, मैं बलराम जी के अंग को जानता हूं। तब बलराम कृष्ण ने कहा कि ये रूप तुम्हारा ऐसे ही अब रखना, अटल रखना ये रूप तुम्हारा। तो उस जगह का नाम हो गया अटल वन, ये वहां जहां लीला हुई थी अटल वन। और वहां आज भी एक मंदिर है परिक्रमा में, उसका नाम है गोरे दाऊ जी। आप में से कितने लोगों ने गोरे दाऊ जी मंदिर देखा है, गोरे दाऊ जी मंदिर वृंदावन जाओ तो कभी देखना, परिक्रमा मार्ग में जैसे घूमते जाओ ऐसे, जैसे खुला पड़ा है, जैसे खुला है।
देखने में दाऊ जी है राजा रानी, लेकिन ये है असल में गुरु तत्व। राधा रानी की कृपा गुरु के पास होती है और बलराम जी की शक्ति होती है, तब गुरु हम सबको दुनिया से पार लगा सकता है। तो असल में गुरु तत्व असल में जो है वो ये गोरे दाऊ जी वाले मंदिर के अंदर जो राधा रानी बलराम जी के रूप में है ना, ये है वास्तव में गुरु तत्व। गुरु राधा रानी का और बलराम जी का प्रतिनिधि होता है, और ये रूप जो है ये आज वृंदावन में गोरे दाऊ जी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, और अटल वन है ये, तो अभी तो चुंगी बन गई। चुंगी का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने की जगह गवर्नमेंट की, लेकिन ये पुराना अटल वन का क्षेत्र है पूरा। यहां भगवान की ये लीला हुई थी। सो ये कथा कैसे आ गई? रूप माधुरी, ये रूप माधुरी में श्लोक आ रहा है, ब्रहा पीणम नटवर वपु करणी उकरणी कारक विभर्तवास कपिश कमह। ये पूरा भगवान का सुंदर रूप है। एक तीसरा है, तीन श्लोक आप ढूंढ के देखे। तीसरा है, ब्राह्मण पत्नियां जब भगवान को देखती हैं, अब वो श्लोक निकालना है तो मैं निकाल के दूं, लेकिन अभी कभी आप निकाल के ये अलग तीन श्लोक रख लो। भगवान का रूप का जो गोप वेश, जो भगवान का श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है उसके रूप का वर्णन ये तीन जगह पे है, और एक से एक और अधिक मधुर है। ब्रह्मा से मधुर ब्राह्मण पत्नियों का, उससे मधुर गोपियों के मुख से हुआ। और चैतन्य महाप्रभु इन तीनों श्लोकों में बड़ा रस लेते थे, क्योंकि राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में बहुत बड़ी आसक्ति है, उससे बहुत बड़ा स्नेह और प्रेम है। सो भगवान स्वयं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मैं श्लोक पढ़ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते, काले न अल्पे न राज ऋषे राम कृष्ण च गोकुले अग्रिष्ट जानुभ्य पाद वे विचक्रमतो अंजसा। हे महाराज परीक्षित, जैसे समय बीता बहुत जल्दी अल्प समय में। अल्प समय का मतलब ये है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब सामान्य बालक 5 वर्ष का होता है, वो श्री कृष्ण और बलराम 3 वर्ष के 5 वर्ष की लीला करते हैं। मतलब उनका जो काल है वो बहुत जल्दी अल्प थोड़े समय में वो काम करते हैं जो आम बच्चा 5 साल में करता है, वो 3 साल में करते हैं। तो इसलिए भगवान रहे तो 15 साल नहीं है, और किशोर अवस्था 10 साल के बाद शुरू होती है, लेकिन फिर भगवान की रासलीला तो किशोर अवस्था की लीला है। तो किशोर अवस्था कैसे उसको कहेंगे जब भगवान की उम्र तो रास के समय 9 साल है। तो जब 9 साल के हैं वो, तब वो लग रहे हैं 14 साल के। उनका समय का ये उनके भगवान के एज को जो गिनना है वो 3.5 = 5 समझ लो। ये फार्मूला चक्रवर्ती पाद ने ऐसे लिखा है। तो काले न अल्पे न, थोड़े ही समय में, आम बच्चों की तरह नहीं, उससे पहले राम कृष्णश्च बलराम और कृष्ण दोनों गोकुले अग्रिष्ट, गोकुल में क्या करने लगे, अग्रिष्ट जानु भी। जानु कहते हैं घुटनों को, घुटनों के बल रिंगने लगे। इसका मतलब थोड़े बड़े हो गए, अब चल रहे, घुटनों के बल चलने लगे। पदे भी, हाँ, पांव घिसके वो घिसकने लगे, विचक्रमतुर अंजसा, और फिर आस्ते आस्ते चलने लगे आसानी से। अब जो बच्चों को आप देखेंगे ना, जिसके घर पता नहीं लगता है, थोड़े दिन बच्चा चलता है रिंगने चक लगता है, फिर घुटनों के बल चलता है, और फिर चलने लगता है आस्ते आस्ते गिरता है। ये 2-3 महीने में सब कुछ होने लगता है, पता नहीं लगता है हो जाता है। तो कृष्ण अब चलने लगे, आज आसानी से चल रहे थे। तो चल रहे थे तब क्या कर रहे थे, तो कहते जब चलने लगे, ततश्च भगवान कृष्ण हो व्यस्य ही व्रज बालक ही सह रामो व्रज स्त्रीणाम
चिकीर्णे जनयम उदम। अब तो वो राग सुग्वाल बालों के संग ऐसी अद्भुत लीला करने लगे, ऐसी अद्भुत लीलाएं करने लगे कि ब्रज की स्त्रियां का मतलब गोपियों के लिए तो बड़ा उत्सव और आनंद हो गया कृष्ण बच्चों की लीलाएं देखकर। तो ये सारे लीला देर आफ्टर लॉर्ड कृष्ण अलॉन्ग विथ बलराम बिगन टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन ऑफ दिस कावर्ड मैन दस अवेकनिंग द ट्रांसेंडेंट ब्लिस ऑफ कावर्ड वुमेन। इसका मतलब गोपियों को आनंद देने के लिए। अब कौन सी गोपियों को आनंद देना? ये है वात्सल्य प्रेम की गोपियों को आनंद, वात्सल्य प्रेम, क्योंकि ये भगवान की पहले 5 साल की लीला को कहते हैं कुमार। ये है वात्सल्य प्रेम के भक्तों के लिए। भगवान की 5 से 10 साल की लीला को कहते हैं पौंगल लीला। ये है गौचारण लीला, ये सखाओं के साथ होती है। और भगवान की 10 से 15 साल की लीला सखाओं के संग तो दिन में होती है लेकिन अन्य समय गोपियों के साथ होती है, इसको कहते हैं किशोर। तो भगवान की आयु को किशोर पौंगल, किशोर पौंगल और कुमार, कुमार बच्चा वात्सल्य का। और इसको भी श्री रूप गोस्वामी ने तो कुमार के भी 3 अवस्थाएं किए और किशोर की भी 3 किए कि 11-12 वाला अभी छोटे छोटे बाल भी नहीं आए मूंछों के, वो किसी को कैसे प्यारा लगता है। फिर 13 से 14 फिर 14 से 15 वाला, 3 में अलग अलग जो आलम्बन अलग अलग है कौन से गोपियों को कौन से रूप में कितना आकर्षण है। और माइन्यूटली इसको रस की दृष्टि से आचार्यों ने भगवान के रूप का इतना ध्यान किया है। तो अब गोपियों को आनंद देने लगे और ये श्लोक है कृष्णस्य गोपयो रुचिरम वीक्षहे कौमार चापलम। गोपियां अब रुचिरम, रुचिरम का मतलब बहुत आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण की देखने लगी कुमार लीलाएं। अभी भगवान की विशेष रूप से कौन सी कुमार अवस्था की लीलाएं हैं? गोपियों के घर में माखन चोरी करने वाली लीलाएं शुरू होने वाली है, ये गोपियां देखने लगी। कौमार चापलम, कौमार अवस्था की चपल लीलाएं। चपल लीलाएं का मतलब जो बच्चों का शरारत करना, चपल का मतलब है शरारतें करना। श्रणवत कीलतन मातो इति ही ऊंचो समागत। तो सारी गोपियां फिर कैसे यशोदा के पास आके उनके चंचलता की और उनकी शरारतों की शिकायत करती हैं। हमारे आचार्य लिखते हैं कि पहले तो श्री कृष्ण ने कहा कि चोरी ही करनी है तो पहले घर से करें कम से कम, पकड़े जाएंगे तो कोई मारेगा तो नहीं। सो अपने ही घर के अंदर कृष्ण ने जाकर बहुत सुंदर मक्खन का मटका था उसमें से मक्खन निकाला और ऐसे हाथ में उठाया और खाने के लिए जा रहा था तो खंभा जो सामने था उसमें अपनी शक्ल दिखाई दी और उसमें मक्खन हाथ में, तो उसको कहता कहां ले जा रहा है? तो वो भी कह रहा है कहां ले जा रहा है, क्योंकि उसका अपना प्रतिबिंब था वो। तो अब भगवान है फिर भी एक लीला कैसी कर रहा है, खा नहीं पाया, अब लेके खड़ा है, तुम खा ले आधा। तो वो कह रहा तुम खा ले आधा, बोले फिर नहीं खाना है? तो बोला नहीं खाना है। अब ये आपस में ऐसे कर रहा है, यशोदा देख रही है पीछे, बोला कन्हैया क्या कर रहा है? माखन को ऐसे छुपा के रहा है, अरे मैया तेरे घर में चोर आया, देखो खंभे के अंदर माखन लेके जा रहा है। अरे मैया तेरे घर में चोर, क्या कहां है? बोले देखो माखन लेके जा रहे हैं। मैया बोले वो तो तू है। बोले ये क्या होता है? अरे बैठो मैया, गोद में बैठ गया। बोले मैया ये तेरा प्रतिबिंब है, ये तेरा रिफ्लेक्शन है। अच्छा ये रिफ्लेक्शन क्या होता है मैया? बेटा ये चमकता है खंभा ना, इसमें तुम दिखाई, तुम अपने आप को देख रहे हो। अच्छा मैया तू बोला, भैया तू किसकी मैया है बोलो? अरे बेटा तेरी मैया हूं ना, तो ये घर किसका है? बोलो तेरा है। गैया किसकी है? अरे भैया तेरी गैया है। अरे कन्हैया सब तेरी गैया है। तो एकदम उठ के खड़ा होता है, बोला मैया मेरी, गैया मेरी, घर मेरा, फिर चोरी करके खाऊं या ऐसे खाऊं तुम गाय के लिए मेरे को बोलती है?
मेरी मर्जी जैसे खाऊं, तो मुझे करते हैं लोग कहेंगे चोरी करता है, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, कोई लड़की नहीं देगी, तेरा विवाह ही नहीं होगा ब्रज में। अच्छा मुझे मेरा विवाह नहीं होगा, तब पूछता है फिर बताओ ये घर किसका, मकान किसका, गाय किसकी, ब्रज किसका, नंद बाबा का, नंद बाबा का बेटा कौन आप, बोला फिर सबका मालिक मैं है तो फिर मेरा विवाह क्यों नहीं होगा। आज तो फेल हो गया, चोरी में मक्खन खाया नहीं, दूसरे दिन फिर अंदर चले गए और आज माखन को उधर ही बैठ के खाने लगे, कांबे तक आए नहीं, लप लप खा रहे हैं। यशोदा पीछे से देख रही है, यशोदा कहते अरे मेरे बाप क्या कर रहा है, कह रही है बाप मेरा क्या कर रहा है अंदर, अरे मैया बहुत बड़ा संकट है, बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या हो गई बेटा, बहुत समस्या है सुलझा रहा हूं, बस अब डिस्टर्ब मत करो। अरे क्या कर रहे हो, लाल कंगन जो आपने पहनाया है इतना हाथ गर्म हो गया, इतना हाथ गर्म हो गया, मैंने सुना है वेदों से मक्खन में डालने से हाथ ठंडा होता है, थोड़ा हाथ को ठंडा कर, अब डिस्टर्ब मत कर। मैया पास में आके हाथ पकड़ के दी, अरे हाथ ठंडा कर रहा है, मक्खन तो तेरे मुंह में लगा पड़ा है। अरे मैया मक्खी बैठ गई थी, हटाया होगा मक्खन, इधर आ गया होगा, वो मक्खन सारा खा रहे अपने घर में, मैया देख रही हंस रही। अब गोपियां आके क्या कहती हैं, ये घर की चोरी की, अब दूसरों के घर में चोरी करना शुरू किया। तो उस दिन ये श्लोक हमने आपके साथ पढ़ा था, श्लोक नहीं पढ़ा था, ऐसे ही कहा था, ये कह रही है वत्सान मुचुन कौच दसम्या क्रोश संजात हास, बिना समय के बछड़ों को खोल देता है, आपको ये लीला बताई थी गोपी की, और फिर हम गुस्सा करती हैं तो वो हंसता है, हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। और फिर कहते हैं स्तेयं स्वाद्य अति अथ, जो बहुत अति स्वादिष्ट मक्खन दही दूध हम अपने बच्चों के लिए पतियों के रखते हैं, उसको स्तेन उसको चुरा लेता है, दधी दही को चुराता है, पय दूध को चुराता है, कल्पित ही बहुत नए नए नमूने रोज ढूंढता है, चुराने का नया नया रोज आइडिया निकालता है, और स्तही योग ही चोरी के लिए नया डिजाइन रोज बना के आता है। मरकान भक्षम, मरकान भक्षम, मरकान कहते हैं बंदर को। वैसे आचार्यों का मानना है कि जब नंद भवन में बंदर की बात आती है तो एक वचन में होता है, और जब बाहर बंदर किसी गोपी और के घर में जाते हैं तो बहुत सारे बंदर होते हैं, तो एक वचन का मतलब हनुमान जी आते हैं सिर्फ, ऐसा उनका मानना है कि जहां भगवान है वहां तो हनुमान को रहना है, और जहां भगवान दूसरे गोपियों के घर में आते हैं वहां बहुवचन में मरकान है। मरकान भोक्षम मतलब बंदरों को मक्खन खिलाता है। बंदरों को मक्खन क्यों खिलाता है, एक बार तो कृष्ण बलराम सब ग्वाल बालों को लेके सब गोपियों के घर में गए, मटका लेके थोड़ा मक्खन दो दही दो, बहुत हमारे मेहमान आ गए अयोध्या से, उनको भोजन कराना है, सबके घर से मां लाए और जाके जाके बंदरों को खिला रहे। गोपियां बोली अरे कहां है अयोध्या के मेहमान, बोले यही तो सारे आए हैं, यही तो हमारे साथ लंका में युद्ध के लिए गए थे, जब हमने इसको एक तनख्वाह भी नहीं दी थी, अब बेचारे यहां रह रहे हैं तो दूध दही मक्खन खिलाएं, तो आज भी ब्रज में बंदर बहुत ज्यादा हैं, और भगवान श्री कृष्ण तो गैया चराते हैं, वो तो बेचारी शांत होती हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र ने तो बंदरों को संभाला, कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है सबको संभाल के चलाना। तो मरकान भक्षान वो बंदरों को खिलाते हैं, और जब बंदर भी मुंह बिगाड़े, बंदर खिलाओ कितना भी ना, बंदर मुंह बिगाड़े, बंदर का ये आदत है, बोलता है जब बंदर ऐसे कहता है कि अच्छा नहीं है, मरकान भोक्षम विभज्जंती चेदिन भांडम भिनंती, अरे मक्खन के मक्खन ऐसा है कि बंदर भी नहीं खाता है, उठा के ऐसे मटके को ठा तोड़ देता है, ऐसा कचरा मक्खन घर में रखा है बंदर भी नहीं खाता है, इंसान क्या खाएगा, मटका फोड़ देता है। देखो ये जो ब्रजवासी हैं या पुराने पुराने लोग थे ना, मक्खन आपको मुफ्त में दे देंगे लेकिन मटका नहीं देंगे, मटके में बड़ी आसक्ति होती है, क्योंकि मटके का क्या है,
वो जो मटका होता है ना उसके अंदर वो कई बार दही मंथन किया ना तो मटके ने बहुत घी खाया हुआ होता है, मटका चिकना चिकना हो जाता है। अब ये मटका टूटेगा, नया लाएंगे, वो फिर घी खा जाएगा। वो एक पॉलिटिकल नेता था, वो वोटों के लिए कहीं तकरीर कर रहा था। बोला भाई देखो, पहले आपने मेरे को चुना था, मैं मानता हूं, बेईमानी की, घोटाला किया, पैसा कमाया, बच्चे को भी अमेरिका भेजा, बंगला भी बना लिया, ये बात मैं मानता हूं। अब दोबारा मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं, वोट मेरे को देना, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, अब नहीं खाऊंगा, दूसरे को लाओगे तुम्हारा सब लूट जाएगा। वो ऐसे सबको कह रहा था कि भाई अब तो मैं सब काम हो गया, अब तो मेरे को चुनो, अब तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब तो मैं आपकी सेवा करूंगा। तो मटका भी वो ऐसा ही होता है कि पहले तो मटका जो है मक्खन खा खा के छुपड़ा हो गया है पुराने, अभी अभी भी आप देखो यहाँ प्रसाद दे के, प्रसाद सब दे के जाएंगे, दूसरा मेरा बर्तन का, बर्तन की चिंता लेडीज को बहुत ज्यादा होती है, सामान भोजन की चिंता नहीं, बर्तन दिमाग में घूमता है अपने बर्तन को। और मटका मिट्टी का भूलिए नहीं, मटका कैसे तोड़ दिया, और ये मटके फोड़ देता है, ये गोपियां शिकायत कर रही है, मटके फोड़ देता है, जब बंदर नहीं खाते हैं तो मटके फोड़ देता है। द्रव्य अलभ्य, जब कुछ भी मिलता नहीं खाने को, द्रव्य अलभ्य, कहीं मक्खन देखा है नहीं, दूध दही कुछ है नहीं, तो क्या करता है, सग्रह कुपितो, तो हमारे घर में बहुत क्रोधित हो जाता है। एक बार एक गोपी बिचारी, क्या नाम उसका, नाम भी मेरे को याद नहीं, धनिष्ठा कौन सी थी, कन्हैया मेरे घर में आना, बड़ा अच्छा लोग पोता लगाया है, लेपा लगाया है, चा बना के रखा है, ग्वाल बालों को लेके कन्हैया ने कहा आज तो इस गोपी ने प्रेम से बुलाया, चलते हैं। वहां आए, घर बड़ा सजा था, चमक रहा था, मटके सब खाली थे, किसी में कुछ नहीं था। अरे कन्हैया, गोपी ने तुम्हें प्रेम से बुलाया, घर में तो कुछ भी खाने न उगा, द्रव्य अलभ्य, कुछ है तो नहीं, भाई कुछ भी नहीं है इसके घर में। बोले तो आज एक आज नई लीला करते हैं। लिखा है इसमें आगे वाले श्लोक में, अब सुखदेव ने लिख दिया है, मैं क्या करूं। बोला क्या लीला करेंगे, बोला इतना बड़ा अच्छा लेपा पोचा किया हुआ, चमका के गोपी ने रखा है, खाने को कुछ नहीं है इसके घर में, कोई बात नहीं, आज यहां क्या करना है। मैं संस्कृत में पढ़ता हूं, लिख रहा उपक्रोशित तो काम, ये तो है कि बच्चों को चोटी मार के चला जाता है। आगे लिखा है हस्ताग्राहे रच्यति विधिम, जब हाथ नहीं पहुंचता है ऊपर मटके के ऊपर, तो पीठ उखल, ये बड़े बड़े उखल कठे करके खड़ा कर देता है, और उसके बाद छिद्रम हई, वो एक लाठी से उसके अंदर छिद्र करके गिरा देता है और मटके को फोड़ देता है। अंतर निहत वयह शीकह भांडेचु यदवित ध्वतांगरे धृत मणि। अब वो बात आ रही है कि जब हम छुपा के रखती हैं ऐसे ऊपर होता है तो खड़का चार चार ग्वालों को खड़ा करके उसके ऊपर खड़ा होकर और उसको लाठी से छेद करता है, और छुपा के रखती हैं तो इसके अंग में जो मणिये लगे है ना उसके प्रकाश होता है, रोशनी होती है, ये खा के चला जाता है। ये दूसरा वाला है। काले गोप्यो रही ग्रह कृत्स्यः स्वग्रह चित्तः, when the milk and curd are kept high on the swing hanging from the ceiling and Krishna and Balaram cannot reach it, they arrange to reach it by piling up various planks and turning upside down mortar for grinding spices. Besides quite being quite aware of the content of the pot, pata hai ki isme kya hai, they poke hole in it while elderly gopis go about their household affairs. Krishna and Balaram sometimes go into the dark room, brightening the place with the valuable jewels and ornaments on their bodies and taking advantage of this light by stealing. ये गोपियां शिकायत करने आती हैं, ये यशोदा को एक एक करके बता रही हैं। अब एक और श्लोक पढ़ते हैं आज के लिए। When Krishna is caught in this naughty activities, the master of the house will say to him, Oh, you are a thief.
And already firstly express anger at Krishna. Krishna will then reply, I am not a thief, you are thief. क्या लिखा है? स्थये हाँ कुरते मिहादनी वास्तु एवं दार्ष्टान्य उशंति कुरते मिहांति. ओ ये तो दूसरा है, ये वो है जो मैं कहना चाहता है. मिहंती मेहदायंती का मैं ट्रांसलेट पढ़ाऊं. पासिंग स्टूल एंड यूरिन. उस घर में कहा कौन सी लीला करनी है, बोला कुछ खाने पीने का नहीं है, तो सब लोग आज यही टॉयलेट के रूप से घर सारा ही टॉयलेट के लिए इस्तेमाल कर लो, बस यही इसके घर में आज लीला करनी है. एक महात्मा को मैं सुन रहा था असल में, कि जो दरिद्र होता है ना, गरीब होता है, महात्मा कोई साधु या भगवान उधर लघु शंका कर ले तो उसके घर में धन क्यों. इसका मतलब है धन ना विष्टा के समान है भगो, और उस घर में फिर बहुत धन आ जाता है. एक महात्मा था, बहुत बड़ी तपस्या कर रहा था, हनुमान जी का भक्त था. तो आखिरी तपस्या जिस दिन पूरी तो होनी थी, उस दिन हनुमान पेड़ के ऊपर आया और उसके ऊपर सारा ही मलमूत्र त्याग दिया, विष्टा स्टूल यूरिन कर दिया. वो बड़ा दुखी होके वो अपने गुरु जी जिनको मानता उसको कहा कि आज तपस्या और हमारा व्रत पूरा जप पूरा होना था, बहुत बड़ा अपवित्र हो गया, ऊपर एक बंदर आया और ऐसे मलमूत्र त्यागता. महाराज ने कहा तेरी सिद्धि हो गई भाई, तपस्या कर रहे थे. बोला कर तो इसलिए रहा था कि बड़ा मेरा मठ बने, मंदिर बने, धन मिले. बोला ये ऊपर से जो हुआ ना, इससे तेरा काम हो गया, अब तेरे को सब धन माल मिल जाएगा, क्योंकि इसके समान धन की वैल्यू है. भगवान ने कहा इसका भला कर देते हैं, इसके घर में धन आ जाएगा. पुराने जमाने के लोग, अभी भी कोई साधु घर में आएगा कहेगा हाथ कम से कम धो लो, पानी कम से कम पी लो. आपको चाहते हैं कैसे भी ये रुक जाए. ऑफिशियली एक्सप्रेस एंगर एट कृष्णा, कृष्णा विल देन रिप्लाई आई एम नॉट थीव, यू आर थीव. समटाइम्स बीइंग एंग्री कृष्णा पासेस यूरिन एंड स्टूल इन ए नीट क्लीन प्लेस इन अवर हाउस, बट नाउ अवर डियर फ्रेंड यशोदा, दिस एक्सपर्ट थीफ इज सिटिंग बिफोर यू लाइक ए वेरी गुड बॉय. Sometime all the gopis would look at Krishna sitting there, his eyes fearful so that his mother would not chastise him. And then they saw Krishna's beautiful face, instead of chastising him, they would simply look upon his face and enjoy transcendental bliss. Mother Yashoda would mildly smile at all his fun, and she would not want to chastise her blessed transcendental child. शिकायतें कितनी भी करे, कभी भी माखन चोरी की शिकायत के ऊपर यशोदा ने कृष्ण को डांटा नहीं. गोपियों को कहती थी अरे कितना खाएगा, 3 साल का बच्चा है, थोड़ा माखन दे दिया करो. तो एक गोपी कृष्ण को बुला के कहती है कन्हैया माखन खाएगा. बोला क्यों, भीख मंगाऊं तेरे घर का खाऊं, मेरे बाप के घर में 9 लाख गाय नहीं है, तुम्हारा क्यों खाऊंगा. बोला फिर चोरी करके क्यों खाता. बोला मेहनत करके खाता हूं, मेहनत करके खाता हूं, चोरी कहीं खा, मेहनत करके खाता हूं. सो गोपियां इस बहाने कन्हैया को देखने के लिए आती थी. एक ऐसा घर नहीं है ब्रज में जिसमें कन्हैया चोरी करने नहीं गया. लेकिन कन्हैया माखन चोरी उन गोपियों के घर में करता था जिनका हृदय गोपियां भगवान को अर्पण. असली माखन कैसे बनता है, दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर दही डालना पड़ेगा, फिर रात सारी रखना पड़ेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, तब उस मिक्सी नहीं, वो लकड़ी के मंदानी से मक्खन करेंगे तब मक्खन ऊपर आएगा. ऐसा मक्खन अगर गाय का होगा घर में तो कन्हैया कभी ना कभी खाने आएगा, लेकिन ये मक्खन ही नहीं है तो खाने कहां आए. लीलाओं को सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है, परीक्षित महाराज जैसा राजा इसको सुन रहा है, हमारे आचार्यों ने इसका इतना बड़ा अध्ययन किया, आखिर है क्या इसमें, इस लीलाओं में है क्या. इस लीलाओं में है ये कि हम इतने उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चों के अंदर ऐसे सब हम चीजें देखते हैं बच्चों में,
तो हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए। असल में कृष्ण के अवतार का एक ही उद्देश्य है, संबंध है कि पुत्र का संबंध है कि पुत्री का संबंध है, बेटी का, बेटे का, दोस्त का, संबंधी तो बंधन है। कृष्ण कहते ये संबंध तुम सब मुझसे कर लो, तुम्हें बेटा बनाना है तो मुझे बना लो, मित्र बनाना है तो मुझे बना लो, सेवक मास स्वामी बनाना है तो मुझे बनाओ, प्रेमी बनाना है तो मुझे। वो जो संबंध दुनिया में तुमको बांधते हैं वो संबंध तुम मुझसे करो तो मुक्त हो जाओ। करना संबंध ही, रखना संबंध ही है। अब संबंध दुनिया से, फिर कृष्ण कहते हैं मुझसे संबंध कर लो, मेरे को अपना मान लो। तो इसलिए एक महात्मा कहा करते कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। ये पाठशाला कृष्ण ने प्रेम की खोली है, प्रेम की पाठशाला खोली है, क्योंकि प्रेम तो सबको करना है, कृष्ण ने ही सबके हृदय में भर के भेजा है। लेकिन दुनिया में लोगों ने प्रेम को इधर उधर के चलता सब ग्वाल बाल चले गए थे, लेकिन भगवान उनको सुरक्षित निकाल के आया। ऐसा सखा कोई मिलेगा क्या दुनिया में? अरे कभी कोई संकट आ जाए, देवता भी नाराज हो जाए, राजा महाराज छोड़ो, देवता इंद्र भी नाराज हो जाए, डुबाना चाहे तो भी पर्वत को हाथ का हाथ के ऊपर धारण करके आपकी रक्षा करे, ऐसा कोई रक्षा करने वाला मिलेगा क्या दुनिया में? किसी ने पर्वत उठाए किसी की रक्षा की है क्या? सिर्फ कन्हैया ने की है कि नहीं है? तो ऐसी लीलाएं करके अपने संबंध, हम उनसे हमारा संबंध हो जाए। प्रभुपाद का एक ही कहना है कि हम कृष्ण से अपना संबंध भूल गए हैं, इसलिए दुनिया में दुख भोग रहे हैं। और अगर कृष्ण के साथ हम पुनः अपने संबंध को स्थापित कर लें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है, और ये लीलाएं सुनते 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 आपके अंदर में कोई खास लीला ऐसे क्लिक कर जाए कि अरे ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे लीला, इसका मतलब ये होगा कि आपका भगवान के साथ वो स्वरूप में संबंध है। इसलिए ये कृष्ण लीला बार बार सुनना, बार बार सुनना, तो एक दिन हमारा स्वरूप है वो विकसित हो जाए, हमारी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है उसको रिवील, और फिर जिसको वो लीला, जिसकी लीला अच्छी लगी कि यशोदा को ये कितना भाग है, उसकी गोद में कृष्ण बैठता है, ये मन में किसके आ जाए तो यशोदा के पीछे खड़े हो जाओ, कृष्ण उसकी गोद में आएगा, यशोदा कैसे उसकी सेवा कर रहे, ऐसे आप सेवा करने का भाव बनाओगे तो कृष्ण से पुत्र का भाव जागृत हो जाएगा। इसका मतलब वात्सल्य की सेवा का भाव हमारा है। तो ये लीलाएं धारावाहिक सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए, ऐसा नहीं पहले हमने सुनी है एक बार नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो 100 बार प्रहलाद की लीला को सुना और ध्रुव महाराज की लीला को सुना, 100-100 बार सुनते थे, बार बार सुनते थे, हर बार नहीं होती है, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है हमारे को। और फिर एक ऐसा भी स्टेज आता है कि जिस लीला में आपको रुचि आए उसी लीला के अधिक से अधिक और भी ग्रंथों के अंदर देख के उसी में अपने स्वरूप को परिपुष्ट करना पड़ेगा, तब भी ये जरूरत पड़ेगी। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आपको पढ़ने को मिलेगा के आपके सजातीय भक्त स्निग्ध भक्त संघ, सजातीय का मतलब जनरली, सजातीय का मतलब ये जैसे जैसे हम कृष्ण भक्त सब एक जगह होना चाहिए, लेकिन उससे आगे सजातीय का मतलब जो सखा भक्त है वो आपस में साथ बैठ के सखा लीलाओं का वर्णन करें, जो दास्य भक्त है दास लीला का शास्त्र पढ़े, माधुर्य भक्त है तो राधा कृष्ण की उपासना करें और माधुर्य गोपियों की लीलाओं का वर्णन करें। तो सज्जाते का मतलब जो हमारा भाव है उस भाव के भक्त आपस में बैठ के और भगवान की लीलाओं का श्रवण वर्णन करें, तो ये असल में हमारे साधन का एक अंग है। और वैसे भी भागवत का श्रवण सबसे ज्यादा 5 में से 6, और जो दास्य भाव वैकुंठ में है वो है वैभव और ऐश्वर्य वाला दास्य भाव। तो दास्य भाव में भी 2 भाव आ जाएंगे, एक दास्य में बहुत स्नेह वाला होगा, एक दास्य में दूर से खड़े होने वाला होगा। जैसे राम जी के दास्य भाव वाले बहुत दूर खड़े होते हैं, कृष्ण के दास्य भाव वाले बहुत निकट होते हैं, दास्य भाव दोनों जगह पे है।
सखा भाव नहीं है वैकुंठ में, माधुर्य भाव नहीं है, ढाई भाव है वैकुंठ में, टू एंड हाफ।